लड़का की शादी हो जाए फिर क्या, एक एक ही काम है। अच्छा दो साल बाद भगवान के कृपा से बढ़िया बहू आ गई, अब उनका सड़क शादी हो गई, अब भजन का गुरु जी थोड़ा घर पोता का मुंह और देख रहे हैं, भजन और काम हमारा रहने और कोई काम भी महात्मा ही बनना है। भगवान की कृपा हुई, डेढ़ दो साल बाद पोता हो गया, गोद में लिए बढ़िया खिलाए, दादाजी बन गए। हमने कहा अब तो दादाजी बन गए, अब तो भजन करो। गुरुजी बड़े लफड़े में फंस गए, क्या लफड़ा, बोले बेटा हमारा जो पोता है, बेटे का बेटा पोता, पोता गोद में आता है तुरंत कहने लगता बाबा बाबा बाबा, जो तुम कहते हो हमारा पोता भी कहता बाबा बाबा बाबा, लेकिन लफड़ा हो गया। हमारा क्या लफड़ा, बोले बेटे का बेटा आता है तो बाबा बाबा कहता है, लेकिन जब बेटी का बेटा आता है तो कहता नाना। समझ में नहीं आ रहा कि बात किसकी माने, हमने माना बाबा की मानो ना नाना की मानो, बोले भाई किसकी मानो, हमका जो हमारे सदगुरु भगवान कह रहे हैं उनकी मानो, बोले सदगुरु क्या कह रहे हैं, हमने कहा कली कल से पर पावना अवतार श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सोनाई पवन सोते पावन सीताराम। लेकिन हम लोगों की वाणी तो बड़ी खतरनाक,
जींस भी परे हैं, राम राम पहने हैं नीला की। एक आदमी हमें मिला, हम ये नहीं बताएंगे वो हमारे लिए काम का था। हमने उसे इस वक्त उससे उसको दोहा सुनाया कि ऐसी वाणी बोली मन का आपात हो और उनको शीतल करे आत्म शीतल हो। तो वो बोलता है बोला बोला पंडित जी ऐसी वाणी बोली सबसे झगड़ा हो। ऐसी वाणी बोली सबसे झगड़ा हो उससे कब हम बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। कोई पूरी लाया कोई कुछ आया सबने खाया महात्मा ने खाया।
एक आदमी गांव का कुछ नहीं करता था, उसने देखा भाई महात्मा गांधी ने करता है, कुछ करना धरना है, खूब रबड़ी मार के चका चका तो वो महात्मा के पास गए, तो हरा अपना चेला बना क्या करोगे चेला बना, चेला बनने से क्या फायदा, मैं चेला बना सब कुछ है
तो हम कहते हैं आरती बदल लेनी चाहिए, आरती की जगह ये लाइन होनी चाहिए। तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है मेरा, पड़ोसी का भी है मेरा, मेरा मुझको दे दो सारा है। मुक्ति पाने की युक्ति क्या है? मुक्ति पाने की युक्ति ये है कि जो अपना है उसे अपना ना मानो, उसको सपना मानो, और जो अपना है परमात्मा अपना है उसको केवल अपना मानो, यही मुक्ति पाने का रास्ता है। ओ सीताराम। लेकिन चित्त में बड़ी मुश्किल से चलती है बात, चित्त में ही बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब तक कथा में बैठे भगवान है गुरु जी से। अच्छा गुरु जी का जो कह रहे वो भी कहते ही है, जो कह रहे अमृत कहा इसीलिए हम लोग पर उपदेश दूसरों को देने, दूसरों को तो उपदेश देते हैं खुद नहीं चलते। मेरे पार लो मुक्ति पानी है तो युक्ति लगाओ। युक्ति क्या है? दुनिया में अपना कुछ नहीं है, जो है सब सपना है। हम जिस मकान में रह रहे हैं वो पहले किसी और का था, उससे पहले किसी और का था, हम जब चले जाएंगे तो किसी और का होगा, उसके बाद किसी और का होगा। यहाँ अपना कुछ है ही नहीं, है तो सब सपना। अपना तो केवल परमात्मा ही अपना है, बाकी सब सपना है। इसीलिए रामचंद्रमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बड़े किसी
है, माइंड पर ब्रह्मांड को कनेक्ट करता है, ब्रह्मांड हमारा सपोर्ट करने लगता है।
kusiku bersedih keinginan. Jesse, एक दोहा बोलते हैं सब लोग बोलते तो हैं पर जान के मान के ठीक नहीं उसको समझते नहीं कराते अभ्यास की जड़मती हो सुना रसिया हो जाएगी सिर पर करद निशान गांव के पुरानी पाटा जो पत्थर रखा जाता है उस पर जब माताएं जल भरती है रस्सी डालती है बार बार रस्सी निकालती है इतने कठोर पत्थर पर भी रस्सी का निशान पड़ जाता है हम तुम्हें कहना ये चाह रहे जब कठोर पत्थर पर रस्सी का निशान पड़ सकता है तो नरम दिल पर भगवान की भक्ति की छाप भी जुड़ सकती है एक तरफ रंगौली के सिद्ध बड़ा बड़ा जो पहाड़ है जहाँ चंडी माता का स्थान बताया जाता वहां भी एक सिद्ध है और तीसरे संगाहार में तीन जगह सिद्ध है लेकिन आज हम आपको अपने गांव के एक सिद्ध की घटना बताएं गांव के पूर्व दिशा के कोने में नंदौली के सिद्ध है उनको कहते हैं नंदौली के सिद्ध पहाड़ी है लेकिन उनकी तपस्या इतनी तेज थी आज भी है बहुत से लोग गाँव के बताते कई लोगों ने देखा है उनकी तपस्या इतनी तीक्ष्ण थी कि जून के महीने में भी पहाड़ की ओर से अपने आप पानी बहने लगता गर्मियों में अपने आप जल की धार बहने लगती हम आपको बताना ये चाह रहे जहाँ सिद्धि होगी जहाँ तपस्या होगी जहाँ ध्यान होगा वहाँ कोई ना कोई प्रभाव उस तपस्या का दिखाई पड़ेगा यही हम आपको कहना चाह रहे अगर आप भक्ति करोगे ध्यान करोगे तप करोगे तो तुम्हारे घर में अथवा तुम्हारे जीवन में इसका प्रभाव अवश्य दिखाई पड़ेगा सीताराम जोर से बोलो और जोर से कहो सीताराम लेकिन तपस्या का फल कब दिखाई नहीं पड़ता देखो भाई सूर्य कब दिखाई नहीं पड़ता जब सूर्य बहुत तेज हो पर बादल छा जाए तो सूर्य नहीं दिखाई पड़ता इस प्रकार बादल आ जाने पर सूर्य छिप जाता है वैसे ही तपस्या और भक्ति भी अहम आ जाने पर अभिमान आ जाने पर क्रोध आ जाने पर और ईर्ष्या आ जाने पर हमारे अंदर की भक्ति भी छिप जाती है यही चर्चा कर रहे थे किसी वार्ता पे हमको थोड़ा सा क्रोध आया हम आपस में ही चर्चा कर रहे थे पंडित जी से मिलने वाला क्रोध बड़ा खतरनाक होता है कब आ जाए कोई ठिकाना नहीं है क्षण भर का क्रोध औषधि करे एक शब्द करे भाव एक शब्द औषधि का काम करता तुम बहुत दुखी हो नाराज हो गुस्सा हो प्रहार हो ठीक है देखता हूँ भूखे बैठे ऊपर से हमसे पूछे क्या कर रहे एक शब्द औषधि कर रहा एक शब्द जो है भाव बना रहा शब्द संहारी बोलिए शब्द को बड़े संहार करके बोलना चाहिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और हमको शीतल करे आप शीतल बड़ी
जाने ऊंची वाणी बोलने का आदत डाल लेनी चाहिए। अच्छा कैसी वाणी? बड़ी मीठी वाणी। मीठी वाणी का मतलब बड़ी सरलता से बोलो। देखो क्रोध को भगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्रोध पर विजय पाना बड़ा सरल है। और क्रोध शब्दों से नहीं जाता है, क्रोध को हटाने का, क्रोध को जीतने का उपाय प्रवचन नहीं है, क्रोध को जीतने का उपाय है आदत, क्रोध को जीतने का उपाय है अभ्यास, क्रोध को जीतने का उपाय है गुरु की कृपा। जब हम ब्रह्म हो जाएंगे, जब हम जमीन से जुड़ जाएंगे, तो दुनिया की पूरी ताकत हमारे अंदर में क्रोध का एक बीजारोपण बन सकती है। अच्छा वाणी कैसे आएगी? वाणी आएगी संतों के संग से, गुरु के संग से, क्योंकि संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, राम नाम को बुला फेंके भाग जाए सब भूत। संतों के पास वो उपाय है जड़ी बूटी। कौन सी जड़ी बूटी? अच्छा देखो हमारे पास कई लोग आते, गुरु जी हमें कोई वसीकरण मंत्र दे दो, क्योंकि हम कथा में कहते हैं आज हम वसीकरण बताएंगे रिश्तेदार का राजा है, और खासकर माता है तो उनके एक छोटा गुरु जी का सिक्का वृंदावन बनाए थे। वृंदावन जाने को जीता